सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है ट्यूसडे और 9:20 हो रहे हैं और कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ। मैंने सोचा क्या था, सर ने बोला था कि आज टेस्ट लेंगे, जो सैटरडे को मैं नहीं जा रहा था आलस करके, तो सैटरडे का टेस्ट आज होना था। बट अब मेरे को पता चला कि कोई नहीं है, टेस्ट थर्सडे को होगा। और भाई 7:08 को जाना है। तो पहले भाई हम नहा धोने के बाद जब घर से निकल चुका हूँ, जब पता चला है कि नहीं होगा, बताओ भाई। एनीवेज भाई, मौसम एकदम तगड़ा है, सबसे बेस्ट मौसम है ये। हाफ टी शर्ट पहन रखी है, अभी सुबह सुबह भी नहीं ठंड है, बट जब धूप आ जाए एक बार तो मज़ा आ जाएगा। बढ़िया मौसम है भाई सबसे, ना ठंड ना गर्मी, इतनी भी गर्मी नहीं, थोड़ी गर्मी हो जाती दिन में। बाकी अब चलते हैं कॉलेज, देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ाई करेंगे आज। पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत सर के साथ हमारी बहुत बहस हुई आज। देखो अभी जैसे ये तो होता ही है ना, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, अब अपडाउन चला गया तो आप चाहोगे कि कुछ भी आ जाए। मेकिंग का वो अलग अलग सिचुएशन होता है, पॉइंट एक चीज समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग अभी तक मिसयूज कर रहा था बिजनेस को, अब फाइनेंस कर रहा है। काफी मैनिपुलेशन हो रहा है और मैं इसके लिए एज ए टीचर इंडस्ट्री क्या करी। तो भाई कॉलेज से निकल चुका हूँ, 1:15 हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ क्लास थी नहीं, बकवास मतलब चूते कटिया आज कॉलेज आके तो। बट और भी काम है मेरे को, तो घर जाके काम करते हैं और जिम में आज तगड़ा चेस्ट वर्कआउट दिखाता हूँ अगर होता है तो। भाई अभी रेड लाइट पे रुका था एक लड़की, एक तो पहले तो स्टीयरिंग से चिपक के चला रही है, ऊपर से फ़ोन चला रही है, और मिडल वाली लेन में थी, उसको राइट जाना था और मेरे को सीधा जाना था, तो मैं सीधा ले रहा हूँ और वो दबा रही है इस तरफ। तो भाई बहुत सुंदर थी, मेरे को मन तो नहीं करा पर मेरे को बोलना पड़ा, क्या है कहाँ जाएगी भाई, मिडल से राइट, वो भी मूविंग ट्रैफिक में, फिर भी कैसे देख रही है इनोसेंट जरा। मैंने बोला भाई ही जाओ जाओ, नहीं मतलब पहले तो मैं गया, उसके बाद उसको गई या क्या, रोक दिया पूरा ट्रैफिक भाई उसने। भाई लेडीज, तो गाइज बहुत टाइम हो गया यार, 7 बज रहे और 7 बजे निकल रहा हूँ जिम के लिए, लेट तक मतलब। मैं अलार्म लगाया था मैंने 6 बजे का, पर पता नहीं अलार्म बजानी है क्या, मेरा भाई ने बंद कर दिया कुछ करा, और उसने तो भाई जिम जाना छोड़ दिया है। तो भाई उसके जो भी हैं सब्सक्राइबर्स, उसके दोस्त, समझा दो भाई कौन से डिप्रेशन में कि जिम जाना छोड़ दिया इसने। तो मैं अकेले जा रहा हूँ और प्री वर्कआउट ले लिया, और इतना हीट कर लूँ अपने आप को कि भाई आज तो खुजली हो ही जाएगी, चेस्ट डे आज, और बस हीट कर लूँ अपने आप को, तो देखते हैं। तो भाई भाई जरा एक बात बताता हूँ, तो लेडीज है ना, जो बहुत बढ़िया सी लेडीज है बस जिम में। हाँ लेडीज, किसकी बात कर रहा हूँ, बहन मेरा वो फोन वहाँ पर था बेंच पे, हटा दिया उसने भाई, हटाया रात भाई उसने बेंच नीचे रखा फोन और उसके ऊपर बेंच, वो तो मैं उस टाइम देख रहा था लड़की देख रहे तो यहाँ पे आके ये सब बात करना। भाई देख ले अब आराम से वो कर रही है, गलत बात है भाई, हम भी जा रहे हैं स्मिथ पे, हम भी जा रहे हैं स्मिथ पे, लात मारते हैं। सो गाइस उन्होंने अभी सामान लिया है, कौन सा सामान, अभी मैं देख रहा था बैग में क्या कर रहे थे आप, स्टोर क्या यार बैग भाई बटन को नहीं, आप जिसको देख रहे थे अभी आज, आप जिसको भी देख रहे थे, किसको देख रहे थे, इसी औरत को, औरत इस औरत ने पता क्या कर रहा था, क्या वहाँ बेंच लग रही थी, मेरा फ़ोन और बॉटल उसमें रख रहा, फ़ोन नीचे रखा इसने और उसके और बेंच रख, तुम्हारी हिम्मत हुई होगी कुछ बोलने की, मेरी हिम्मत भाई इन्फ्लुएंसर तो कुछ भी करेंगे, मैं तो गरीब आदमी है ना, पिघल क्या गया भाई, गलत है नहीं,
बड़े लोग छोटे लोगों को दबदबाते हैं भाई। बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। नाम ले दूंगा ना इसका, रिपोर्ट मार देंगे तो। और तो भाई मैं एनीवे भाई एक एक होता है कि अब पहले से रखा हो तो भाई पता ना उसको, किसी ने खुद रखा नीचे और उसके ऊपर डिपेंड कर लिया, तो मैंने देख लिया वरना तो टूट जाना मेरा। तो गाइस तगड़ा चेस मार के निकल चुका हूँ देख लो। और भाई उस लेडीज ने मेरे को व्लॉग बनाते हुए देख लिया और उसको पता चल गया कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जब मैं बता रहा था ना, तो मेरे को और कहती थी सॉरी एक्चुअली आई डिडंट सी योर फोन। मैं बोला यू लिटरली जस्ट केप्ट इट एंड हाउ कुड यू सी। मैंने बोला छोड़ वो आया वो। सो गाइस जिम से निकला मैं और मेरे को एक दोस्त का फ़ोन आया और कहता कि और भाई आज किसको रोज़ दे रहा है। मतलब रोज़ कह रहा आज रोज़ डे है ना, मतलब रोज़ डे पोज डे कुछ नहीं होता, वैलेंटाइन से बकवास है, हम ये रोज़ बना रहे हैं। तो भाई कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला भाई रोज़ तो कभी ना खरीदूँ मैं, बाकी वी गो जिम नो वैलेंटाइन। और आप घर पहुँच गए हैं और व्लॉग आज के व्लॉग को यही एंड कर रहे हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि भाई मैं तो अकेला जिम जा रहा हूँ, अकेला आ रहा हूँ, मेरा भाई नहीं है कोई नहीं है, तो भाई अकेला आदमी कितना ही कर लेगा। तो भाई कल कंटिन्यू करेंगे जो भी होगा। तो मैंने अभी रियलाइज़ करा कि मैंने बोला कि मेरा भाई नहीं है, मतलब मेरा भाई है, मेरा मतलब था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, वो पता नहीं फॉर एवर रेस्ट के लिए चला गया है या क्या है, जिम नहीं आ रहा आजकल, तो ये मतलब था, गलत मत समझना। सो गाइस सुबह उठा था और उठते साथ ही पापा का फ़ोन आ गया कि भाई पेट्रोल पंप पे आ जा, हवा भरवाने आया था, गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब गाड़ी चल नहीं रही है, बवासीर गाड़ी। मैं भाई सुबह उठा था सिर्फ, ये देख लो भाई, और पापा को कहीं जाना था तो मेरी गाड़ी ले गया और मैं यहाँ अटक चुका हूँ। और दिन की शुरुआत इतनी घटिया हुई है ना आज, क्या ही होगा। और मेरे फ़ोन में बैटरी 1% है, अपना फ़ोन दे के गए कोई सा, भाई मैं क्या करूँगा यार, ये देखो 1% है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ पर। सो गाइस नहा धो के जिम के लिए निकल चुका हूँ, तो तुमने देखा होगा सुबह मैं बिना नहाए बस सुबह उठ के एज इट इज़ व्लॉग कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं बिना फिल्टर के स्टोरियाँ डाल सकते, क्वेश्चन है भाई। मैं बी रियल पे भी बिना फिल्टर, स्नैपचैट पे भी बिना फिल्टर, इंस्टा पे भी बिना फिल्टर, मतलब अब मेरे को बॉडी वाली स्नैप्स डालने के लिए कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, व्लॉगिंग भी बिना फिल्टर ऑब्वियसली। तो भाई सबको बिना फिल्टर के रहना चाहिए, अनफिल्टर्ड रियल सेल्फ दिखाओ भाई, क्यों ऐसे शर्मिंदा क्यों ना, सही बात है ना। अब जिम जाके आज तो भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, आर्म्स मारेंगे, पतले से हो रहे हैं भाई, पर होली के लिए भाई सब फुलाना है कती, देखते हैं। अगर सोच रहा हूँ कि आज एक एब्स भी मार लूँ, अगर लग गई तो ठीक है, वरना तो मुझे लगता नहीं है स्टैमिना बचा है कुछ। तो गाइस बेवफा बेपरवाह, क्या तुझे परवाह नहीं भाई, घुमा दे देख लिया देख लिया भाई, योगा सीखना है मेरे को, अब मुझे योगा सीखना भाई, ये मन कर गया भाई योगा करना है, आई वॉन्ट टू डू योगा, क्या करना बताऊँ क्या भाई, ये सब जो बलून है ये वैलेंटाइन के लिए, जिम भी अब जिम नहीं रहा, याद आ रही है भाई, कल देखता तू भाई, और बोला कि तो जिम भी चल नहीं रहा, मैंने ना बोला वैसे तो यही तो बोलता है यार, नहीं अभी दिन भर उसकी रोज की तरह था बेला अनएम्प्लॉयड थी, मेरा ये करके चली गई, मजा आ रहा है तुझे बैठ जो दिन का जो बोलता है, तू तो खुश है ना, तू तो तेरे लिए तो सेट हो रखा है माहौल यहां पे वैलेंटाइन, तो दे साले बंदी का चौदह
कपल वर्कआउट वैलेंटाइन ईव को तो यहां क्या कर रहा है सही बात क्या बंदी के साथ रास हंसी जा मना डे रोज से पता नहीं कौन सा डे आज कौन सा डे बता दे आज कौन सा है पता होगा इसे पक्का पता होगा गारंटी ये भाई ऐसे कर रहा है प्रपोज दे अच्छी प्रपोज करेगा भाई बंदी है बंदी बनने के बाद क्यों प्रपोज करना है बात तो सही है मतलब बारबेल को नेक्स्ट लेवल लौड़े का नेक्स्ट लेवल भाई एक ही लेवल होता है इसका टॉकिंग से क्यों एफडब्ल्यू वो तेरा है साले एफडब्ल्यू ओ भाई ओ बच के रहा गर्ल्स भाई कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए मैं तो लड़कियों से दूर रहता हूं भाई लड़कियों से दूर गर्ल्स बच के मैं दूर ओनली जिम अब वीडियो अपलोड करूंगा लड़कियों के लिए ना नहीं भाई खुद के लिए ताकि आई लुक गुड व्हेन आई सी मोने के लड़के मेरे लड़कियों को आस्काउट क्यों करता है क्या मैं कब करता हूं आस्काउट किसी भी लड़की को आस्काउट करा मैंने आज तक मैं क्या मैं भाई पूछता हूं क्लबिंग आ जा मेरी लिस्ट बनवा दे मैं आस्काउट नहीं करता भाई थोड़े स्नैप की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं अपनी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा स्नैप पे बताते करते हैं वो नंबर वाली बात बता देना इनको क्या वाली चलो गाइस वर्कआउट स्टार्ट करते हैं संकेत को बिल्कुल वैसी बॉडी है बहुत बढ़िया मैंने बोला भाई क्या बात कर दी ये तो बहुत भाई कह रहा साकेत गोखले जैसे सही भाई साकेत गोखले तो भाई ऊपर है बहुत नहीं नहीं मतलब तू कह रहा नेचुरल है बोला भाई नेचुरल ही है भाई साकेत तो निगा साकेत गॉड है भाई निगा साकेत भाई रेसिस्ट कैंसिल भाई अटैक करो उस पे अटैक क्रिएटिव यूजर व्हाट डू यू डू क्रिएट अ यूजर बिगिनर बिगिनर क्या है साले धंधा कर जाके भाई जिम में गाड़ी चला रहा है ओ गेड़ी रूट डिवाइडर ते चाड़ी हुंदी गड्डी तेरी वे सो गाइस मेरे भाई को रिप्लेस कर दिया मैंने इससे अक्सर देख लो भाई जिम में भी भेज रहा बैंड को लोड़ा जिम से निकल चुके हैं व्लॉग एंड कर रहे हैं बोल दे भाई कुछ बाय गाइस।